उत्तरकाशी में पहली बार विश्वविद्यालय खुलने से स्थानीय लोगों और पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा और ये विश्वविद्यालय चीन सीमा के निकट स्थित है और इस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव होने के कारण पलायन की समस्या हो रही है। उच्च शिक्षा की कमी के चलते लोगों को अपने बच्चों को दूर दूर तक भेजना पड़ता था और 2005 में मंजीरा देवी के नाम से बीएड कॉलेज की स्थापना की गई थी और हाल ही में इसे विश्वविद्यालय की मान्यता मिल चुकी है, जिससे उत्तरकाशी जिले के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं भागीरथी नदी के किनारे बसा हिटाड़ू गांव अब एक शिक्षा का केंद्र बन चुका है, जहां नर्सरी से लेकर बीएससी नर्सिंग और मेडिकल के कोर्स उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि अब स्थानीय छात्रों को शिक्षा के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा से भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। आखिरी पायदान होता विश्वविद्यालय वो चाइना बॉर्डर पर। मैं सरकारों का भी ऋणी हूँ, या भारत सरकार हो, उत्तरांचल शासन हो, जितने भी अधिकारी, जहाँ जहाँ मेरा काम पड़ा सबने सहयोग करा और इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास मेरा जारी रहेगा। और सब लोगों से, पूरे युवान भैया, आप सब लोग, हम सब लोग चाहते हैं कि भैया, क्योंकि कल का भारत आप ही लोग हैं, इस देश को बढ़ाना है, पहाड़ को बढ़ाना है, धारणा हमने बदल देनी है। हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति अगर है तो हमारी प्रकृति है, हम प्राकृतिक संपदा के धनी हैं। शासन प्रशासन से जिन लोगों ने इस विश्वविद्यालय को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ललक एक सोच, उसके साथ जो पिताजी ने काम किया है, डॉक्टर हरीश नगर नोटियाल जी ने, वो एक सोच के साथ काम किया है। उनकी सोच थी कि इन कंदरों में हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, परंतु उनको निखरने के लिए कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही जो आगे बढ़ सके। 1995 में पहली बार यहाँ पर उनके दिमाग में ये बात आई थी कि मुझे यहाँ पर एक विश्वविद्यालय कॉलेज खोलना है, बीएड कॉलेज खोलना है। और उस कॉलेज को खोलने में इनको लगभग लगभग 10 साल लगे और 10 साल लगने के बाद शुरुआत हुई 2004 से। 5 और 6 में हमारा पहला बैच बीएड का आया, बीएड चला और तब से निरंतर जो इस यहाँ के युवाओं के लिए काम होते गए, फार्मेसी आया, पॉलिटेक्निक आया। मैं फाइनल ईयर बीएमएस का स्टूडेंट हूँ। इस कॉलेज में हमको पढ़ते हुए 4 साल हो चुके हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। एनवायरनमेंट है कॉलेज का, कॉलेज के चेयरमैन सर बहुत बढ़िया हैं, डायरेक्टर सर सब बढ़िया हैं। बाकी पढ़ाई वढ़ाई के मामले में भी कॉलेज बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई होती है, लैब लैब वगैरह लगती है, क्लिनिकल फीचर लगते हैं, हमारी पोस्ट भी लगाई जाती है यहाँ पे, तो सब बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ हर बच्चे को आना चाहिए यहाँ पे, एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए मेडिकल कैंप के लिए। मैंने ये कॉलेज इसलिए चुना क्योंकि यहाँ का जो वातावरण और हरियाली है ये बहुत ही शुद्ध है। नीचे के कंपेयर में देखें तो नीचे तो जो है ना एकाग्रता नहीं बढ़ती कि पढ़ाई में डिस्टरबेंस बहुत है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शांति है जिससे कि बच्चे पढ़ सकते हैं, फोकस करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ की वायु भी शुद्ध है, मन शांत रहता है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहता, तो इसलिए ये कॉलेज चुना मैंने। और ये कॉलेज आज विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसके लिए मुझे बेहद खुशी है। दूसरी बार नीट दिया था तो मेरे को जाकर ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मुझे ये कॉलेज मिला। और ऐसा नहीं कि मेरे पास और ऑप्शन नहीं थे, बट यहाँ का वातावरण देखकर और यहाँ की वादियाँ देखकर मैंने ये कॉलेज चुना। और साथ ही साथ मेरे को बहुत खुशी है कि अब ये मंजीरा देवी यूनिवर्सिटी बन रही है, बाहर के और बच्चे आएंगे, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, बंगाल से। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दूर दूर से लोग, मतलब सिटीज़ को छोड़ के पहाड़ों पे आ रहे हैं और आके अपना यहाँ पे, यहाँ मतलब जैसे लोग सिटीज़ में रहते हैं, गांव में आके गांव जैसा है तो वहाँ पर के एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग से हुआ था। नीचे के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, और मतलब कि नीचे के कॉलेज में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, पर यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं है, अच्छी से पढ़ाई होती है, क्लासेस सब कुछ अच्छे से लगती है, नेचर भी बहुत अच्छा है और बाकी सब अच्छा ही है, क्लासेस भी लगती है, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ अच्छे से होता है और अच्छा है सब कुछ। और अभी ये यूनिवर्सिटी बन रहा है, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो फर्स्ट ईयर से अभी तक काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है हर चीज़ में, और अभी यूनिवर्सिटी बन रहा है तो अच्छा ही है, हर चीज़ में डेवलपमेंट अच्छा ही हो रहा है।